आज डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो ग्रेन फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है मेटल्स के अंदर। आज हम तीन प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, कास्टिंग, मशीनिंग और फोर्जिंग के बारे में, कि जब हम कास्टिंग से प्रोडक्ट बनाते हैं या मशीनिंग से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फोर्जिंग से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो किस में ज़्यादा अच्छी होती हैं और किस में पुअर होती हैं। तो तीन प्रोसेसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो ग्रेन फ्लो जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तीनों प्रोसेसेस के अंदर। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और स्पेशली हम उसको बना रहे हैं इम्पैक्ट लोडिंग के लिए, अगर उसके ऊपर इम्पैक्ट लोडिंग पड़ती है, इम्पैक्ट मतलब एकदम से लोडिंग होती है उसके लिए अगर हम उसको तैयार कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर फैटीग लोडिंग होती है, फैटीग मतलब बार बार रिपीटेड साइकिल हो रही हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो ऐसा प्रोडक्ट अगर हमें तैयार करना है कि जिसकी इम्पैक्ट लोडिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो या फिर फैटीग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए ग्रेन फ्लो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कास्टिंग, मशीनिंग और फोर्जिंग के थ्रू हम किस हेल्प से बनाएं, किस मशीनिंग प्रोसेस या कास्टिंग प्रोसेस या फोर्जिंग प्रोसेस से बनाएं ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा बने। कास्टिंग क्या होती है इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कास्टिंग होती है कि किसी मेटल को मेल्ट करके उसको किसी डाई के अंदर डालना, जिसको हम कोक और ड्रैग बॉक्सेस के अंदर बनाते हैं, जिसको हम मोल्ड भी बोलते हैं, तो उसको ठंडा होने के बाद तैयार करना, तो वो तो होती है कास्टिंग कि उसको मेल्ट करके किसी मेटल को मोल्ड के अंदर डालना, किसी कैविटी के अंदर डालना और उसको ठंडा होने के बाद तैयार करना, तो वो कास्टिंग प्रोसेस होती है। मशीनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेटल को रिमूव करते हैं। मशीनिंग के अंदर जैसे हमारी आती है लेथ मशीन के ऊपर मशीनिंग करना, ड्रिलिंग मशीन, शेपर मशीन, जो भी हमारी मशीनिंग प्रोसेसेस हैं जहाँ पे हम मेटल को रिमूव करते हैं, तो मशीनिंग के थ्रू अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको काटते हैं, मेटल रिमूव करते हैं, तो वो होती है मशीनिंग। फोर्जिंग होती है कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस भी हम इसे बोलते हैं। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस मतलब अगर हम दबाव के थ्रू किसी मेटल को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के अंदर मोल्ड करते हैं। मान लीजिए कोई प्लेट है, इसको मैं यू शेप देना चाहता हूँ, तो ऊपर से पंच और डाई की हेल्प से मैं इसको यू शेप दे सकता हूँ। तो ये होती है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कि हम मेटल को फॉर्म करते हैं। फॉर्ज मतलब उसको हम दबाव देके हीट करके मेटल को, फिर उसको दबाव देते हैं, दबाव देने के बाद उसको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। ये हॉट भी होती है और कोल्ड फोर्जिंग भी होती है। तो तीनों में से कौन सी बेटर है अगर हम किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं इम्पैक्ट लोडिंग के लिए या फिर फटीग प्रॉपर्टी के लिए? तो कास्टिंग, मशीनिंग और फोर्जिंग की हमने ये क्रैंकशाफ्ट का एक एग्जांपल लिया है कि अगर हम क्रैंकशाफ्ट तैयार करते हैं तीनों मेथड से तो कौन सी बेटर होगी। तो कास्टिंग के थ्रू जब हमने क्रैंकशाफ्ट को तैयार किया तो इसके अंदर ये क्या है, ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स मतलब जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह से अरेंज हैं। तो जो ये ग्रेन्स हैं, देखिए जब कास्टिंग प्रोसेस होगी तो इनके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ये जैसा हमने मेटल को मेल्ट किया, उसको एक कैविटी में डाला, ठंडा करने के बाद हमने ये तैयार कर लिया, तो इसके अंदर ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम इस तरह से रहेगा, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो ये क्या है, इसके अंदर पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, इस तरह की, जिसके अंदर ग्रेन इसी तरह से पड़े होते हैं, उनके अंदर कुछ भी सुधार नहीं होता, ग्रेन में चेंज नहीं आता जब हम कास्टिंग करते हैं। दूसरा है मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग में हम मेटल को रिमूव करते हैं, काटते हैं, उसको होल करते हैं या उसको शेप देते हैं, तो उसके अंदर जो ग्रेन्स थे, मान लीजिए ये ग्रेन्स लाइनिंग है, ये ग्रेन्स हैं, ये जो लाइन है ये ग्रेन्स की लाइन है, तो ये इंटरप्ट हो जाती हैं। जैसे ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, तो अलग अलग पोर्शन में इंटरप्ट हैं, हर एक लाइन अपनी अपनी है और यहाँ से यहाँ तक है, इंटरप्ट हैं सारे के अंदर, तो इसके अंदर इससे कुछ
मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है। अगर हम कास्टिंग की बात करें तो इसके अंदर मशीनिंग के अंदर थोड़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि ग्रेन कुछ तो अरेंज होते हैं लेकिन इंटरप्ट होती हैं ग्रेन लाइनिंग। अगर हम बात करें फोर्जिंग की, वो फोर्जिंग के अंदर हम साफ देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लाइंस हैं वो प्रॉपरली ग्रेन लाइंस अरेंज हैं। सारे प्रोडक्ट के अंदर इस तरह से जो ग्रेन्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं जब हम फोर्जिंग प्रोसेस या मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रॉपरली अरेंजमेंट है ग्रेन्स का सारे प्रोडक्ट के अंदर। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ही अच्छी हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं इसकी। हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं अगर हम इसका कंपैरिजन करें मशीनिंग से और कास्टिंग से। फोर्जिंग के अंदर हमें बहुत अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं प्रोडक्ट के अंदर, अगर हम इसको तैयार कर रहे हैं इम्पैक्ट लोडिंग के लिए और फटीग लोडिंग के लिए। तो फोर्जिंग एक बेटर ऑप्शन है अगर हम प्रोडक्ट चाहते हैं जिसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हों और वो फटीग लोडिंग और इम्पैक्ट लोडिंग को सहन कर सके। तो ये था ग्रेन फ्लो तीनों प्रोसेसेस के अंदर और उनका कंपैरिजन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।